हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और यूएसए के बीच में जो मैच 11 होगा इस वर्ल्ड कप में। तो चलिए पहले बात करते हैं कि यूएसए के पाकिस्तान को बीट करने के कितने चांसेस हैं। आई वुड से के 20%, क्योंकि पाकिस्तान के पास अच्छे पेस बॉलर्स हैं, उनके पास बैटिंग भी अच्छी है। हालांकि जब इनका दिन नहीं होता है तो नहीं चलते हैं और काफ़ी ये अनप्रेडिक्टेबल टीम है। लेकिन ऐसा है कि जब इनकी टीम को बहुत बुरा भला बोला जाता है सोशल मीडिया पे, खास तौर पे उस टाइम पर ये बाउंस बैक करते हैं। ये इनकी खासियत है, इंडिया में भी यही है। ये बाउंस बैक करते हैं बहुत जल्दी, और वर्ल्ड कप में अभी तक इनको अनप्रेडिक्टेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब इनके कोई चांस नहीं होते तभी ये चांस बनाते हैं। और फिलहाल अभी ये आयरलैंड से जैसे हार के आए हैं मैचेस या सीरीज जो भी है, लेकिन उस वजह से सोशल मीडिया पे बहुत हुआ है हल्ला कि पाकिस्तान टीम नहीं, वर्ल्ड कप में नहीं इतना अच्छा कर पाई। लेकिन ये याद रखिए, ऐसा ही 92 वर्ल्ड कप में भी हुआ था जब इमरान खान साहब की ये टीम थी, लेकिन वो बाउंस बैक किया उन्होंने और उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। हालांकि बहुत डिफरेंट एरा है, बहुत डिफरेंट टाइम है, और ये T20 का फॉर्मेट, वो 50 का फॉर्मेट था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जीन्स में ये है कि बाउंस बैक करते हैं। इंडिया की टीम में भी है, हालांकि कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा है। और अगर यूएसए की टीम की बात की जाए तो उनमें एक पॉजिटिव ये है कि अभी कनाडा को हरा के आए हैं, और वो भी रन चेज में हरा के आए हैं। इतना बड़ा रन चेज कनाडा यूएसए की टीम के लिए बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने किया। और उसमें से जो एरन जोन्स थे, जो कि सुपरस्टार निकल के आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। लेकिन हम अगर बात करें कि वो हर मैच में चल पाएंगे, खास तौर पे जो पाकिस्तान का पेस अटैक है 140+, क्या उनके खिलाफ अच्छी बैटिंग कर पाएंगे? आई गेस के थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी उनको। लेकिन मैं फिर भी एंड्रिस गूस को, जो उनके साथ जो बैटिंग कर रहे थे, आई गेस उन्होंने 45 और 55 समथिंग बनाए थे एरन जोन्स के साथ, मैं उनको पिक करूंगा एरन जोन्स की जगह अपनी ड्रीम 11 में। और अगर हम विकेट कीपर से लेके बॉलिंग तक बात करें, कि मेरी फर्स्ट पिक होगी पाकिस्तान के, हमने टॉप फोर में से टू तो चुनना ही है, क्योंकि टॉप फोर है मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, बाबर आजम और सैम अयूब, या फिर फखर जमान। इनमें से, इन पांच में से कोई भी खेल सकता है, कोई चार तो खेलेंगे ही खेलेंगे। लेकिन मेरी पिक होगी मोहम्मद रिजवान, और अगर उस्मान खान खेलते तो उस्मान खान, अगर नहीं खेलते तो फखर जमान। मैं सैम अयूब और बाबर आजम को नहीं पिक करूंगा अपनी ड्रीम 11 में। मुझे लगता है कि छोटी टीम के खिलाफ ये इस बार नहीं चलेंगे। हालांकि चलते ही ये छोटी टीम के खिलाफ बहुत हैं, लेकिन मेरी प्रडिक्शन है कि ये नहीं चलेंगे। और अगर हमने ये दो चूज़ कर लिए तो ऑब्वियसली हमें यूएसए की टीम में से भी चूज़ करना पड़ेगा। एरन जोन्स हम नहीं चूज़ कर रहे हैं, तो एंड्रिस गोस, और हम गजानंद सिंह को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी अभी तक बैटिंग का पता नहीं चला है। सो मैं उनको स्किप करके कोरी एंडरसन को एज ए ऑलराउंडर चूज़ करता हूँ। सो मेरे पिक होंगे मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, एंड्रिस गोस, कोरी एंडरसन, शदाब खान, ये पांच हो गए। और जो जिसको हम सबसे ज़्यादा ट्रोल करते हैं, आजम खान साहब, अगर वो खेलते हैं तो मेरी पिक वो होंगे, क्योंकि अगर उनकी बैटिंग आती है तो मुझे लगता है कि वो चलेंगे। फिर अगर आ जाते छः, छः बंदे हो गए हमारे ऑलराउंडर और बैट्समैन मिक्स, आ जाते हैं बॉलिंग पे। अगर यूएसए की बैटिंग फर्स्ट आती है तो 130 या 150 के करीब अगर स्कोर होता है, हालांकि यहाँ पे स्कोर अच्छा बनता है इस पिच पे, और यूएसए ने जैसे टारगेट चेज किया था, सो मुझे 150 का या 160 लग रहा है। लेकिन अगर इनकी बैटिंग नहीं चलती है तो, क्योंकि फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं पाकिस्तान के, सो मैं चूज़ करूँगा शाहीन अफरीदी, मोहम्मद, सॉरी मैं यार नाम भूल जाता हूँ, एक तो नसीम शाह, सॉरी शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, और आपके जो हैरिस रऊफ है, इन तीनों को चूज़ करूँगा। और आप अगर उन यूएसए की बात करें तो जैसी सिंह और हरमीत सिंह को आप चूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका
दोनों तरफ बैलेंस हो जाए, चार आपके यूएसए के हो गए, सात आपके पाकिस्तान के हो गए। ये मेरी ड्रीम इलेवन है, शायद ये सही हो शायद ना सही हो, लेकिन मुझे श्योरिटी तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये है कि ये टीम काफ़ी अच्छा करेगी। और विनिंग प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मेरी इस वक्त सपोर्ट है पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगी इजीली आई गेस, अगर ये कुछ ब्लंडर ना करें तो शायद पाकिस्तान हार भी जाए, लेकिन पाकिस्तान इज मस्ट विन थिंग फॉर दिस मैच। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर द सपोर्ट, लास्ट वीडियोस में आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और बहुत अच्छी वीडियोस गई हैं, प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, थैंक यू।